गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर तनु। और मैं हूँ तनुश्री। ये जो ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे चैनल में अभी सब्सक्राइबर भी है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो रेमिडीज़ मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ वो भी मैं इस चैनल में शेयर करूँ। तो आज मैं वही दिखाऊँगी। एक्चुअली मैं घर की रेमेडीज यूज़ करती हूँ जो कि नेचुरल है अपने स्किन के लिए। तो पहले मेरे स्किन में बहुत प्रॉब्लम होता था, ब्रोनो होता था, पिगमेंटेशन था और बहुत ज़्यादा स्कर भी थे, लेकिन अभी जब से मैं घर की रेमेडीज यूज़ करती हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा स्किन बहुत क्लीन हो गया है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे स्किन में अभी तक। एक दो पिंपल खाने के लिए या फिर पॉल्यूशन के लिए कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे स्किन में अभी के लिए। तो चले दिखाती हूँ एक्चुअली मैं क्या DIY करती हूँ अपनी स्किन के लिए। कुछ खास नहीं है, आज मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने स्किन के लिए एक स्क्रब भी करूंगी, तो वही मैं दिखाऊंगी। मैं घर के रेमेडीज से कुछ चीज़ों से अपने स्किन के लिए स्क्रबिंग करती हूँ और वही मैं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये है ऑलिव ऑयल, मैंने यूज़ किया है बार्टोली का ऑलिव ऑयल और पतंजलि का एलोवेरा जेल और है डाबर हनी और यहाँ पर जो है वो है राइस फ्लावर। ओके, तो ये मिलका है, आप घर में भी बना सकते हैं। अगर फाइनली आपको आप राइस फ्लावर बना सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हाफ स्पून, राइस फ्लावर बहुत अच्छे स्क्रबिंग का काम करता है, तो मैं हाफ स्पून, ठीक है, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा भी नहीं, बस इतना ही राइस फ्लावर लिया है मैंने। तो हाफ टेबल स्पून हनी लिया है, हाफ टेबल स्पून एलोवेरा जेल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सारे चीज को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक अच्छे सा देखिए जेल जैसा एक थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बनके तैयार हो गया है हम लोगों का बहुत ही अच्छा घर का स्क्रबिंग। तो इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए रख दीजिए और उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए अपने फेस, नेक। और मैं ये इतना ही सिर्फ मतलब तैयार की है, सिर्फ फेस के लिए और नेक के लिए ही किया है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ इस DIY को अप्लाई करने के लिए। अपने फेस और मेक में मैं करूँगी और दिखाऊंगी। ये मेरा फेस है अभी, क्या हाल है फेस का, तो ये कैसे चेंज हो जाता है। तो आप इस मिक्सचर को अपने फेस पे लगा लीजिए अच्छे से और अपने हाथों से बहुत ही कम प्रेशर से
आपको राउंडली सर्किल करके आपको इसको मैसेज करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से इसको मैसेज कर लीजिए। और हाँ, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि स्क्रबिंग के टाइम ज़्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं है, तो स्किन बहुत रफ हो जाता है। बहुत ही आस्ते आस्ते, मतलब धीरे धीरे आप इसको मसाज कर लीजिए। और हमेशा मसाज ऊपर की तरफ होना चाहिए, कभी भी नीचे की तरफ नहीं। अपनी फिंगर्स को हमेशा ऊपर की तरफ कर दीजिए। और अपनी लिप को भी स्क्रबिंग कर दीजिए, क्योंकि लिप को भी स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस विंटर सीजन में अपने लिप बहुत ही ज़्यादा क्रैक आ जाता है लिप में, तो इसलिए डेड सेल को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अपने नेक पे भी इसको अप्लाई करें, अपनी फिंगर से इसको अपने नेक पे ऊपर की तरफ ऐसे ही करके मसाज करते रहें। स्क्रबिंग करना हो गया है और अभी इस को ऐसे ही रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल दिया है, तो इसलिए ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। बस 2 से 3 मिनट के बाद इसको आप क्लीन कर लीजिए। तो बस 5 मिनट्स हो गया है, तो अपने हाथ को वेट कर लीजिए और उस हाथ से अपने फेस और नेक पे आप टैप कर लीजिए। और उसके बाद एक टावल से, भीगा हुआ टावल से अपनी फेस और नेक को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो बस हो गया है मेरा स्क्रबिंग और देखिए मेरा स्किन कितना क्लीन हो गया है और कितना सॉफ्ट सॉफ्ट फील आ रहा है मुझे। तो इसके बाद आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर लीजिए जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं, तो उसको आप अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। तो आई होप ये रेमेडीज़ आपका भी कोई काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही होता है बेल आइकन, तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।